मुंडा पांडे अंतर्गत मानपुर पट्टी निवासी लव कुमार ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मुंडा पांडे पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है, जिसमें गांव के बबलू, धर्मेंद्र और संजीव पर यह आरोप लगाया गया है कि इन तीनों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला होता देख पीड़ित ने खेत में भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। पीड़ित ने बामुश्किल कार के पीछे जाकर अपनी जान बचाई। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से भाग निकले। पूछने पर पीड़ित ने बताया कि पुलिस को लिखित में सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर आला अधिकारियों के दखल से FIR दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, इसलिए विवश होकर पीड़ित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत लेकर SSP के पास पहुंचे और शिकायत पत्र देकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। देखिए, SHO मुंडा पांडे की कई घटनाएं ऐसी हैं उस क्षेत्र की कि वो उनको रूप बदल देते हैं उसका, तो उस संबंध में हम आपसे 15-20 दिन पहले कप्तान महोदय के एक शिकायती पत्र दे गए थे उनकी जांच के लिए। वो CO हाईवे को मिला है, लगभग अभी तक 20-25 दिन हो गए, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मामला है उसका? मामला कैसा है कि 90 नंगला गांव पड़ता है बिल्कुल लास्ट बॉर्डर में मुंडा पांडे पे, तो वहाँ पर एक मानपुर पट्टी और 90 नंगला, मानपुर पट्टी का है वैसे मैटर ये, तो ये एक लड़का जो इसके 5 कैंडिडेट परिवार में है, 5 में छठा ये बच्चा है, 5 के 5 बीमार है और अपंगता से जूझ रहे हैं वो लोग। तो ये अपने चौथाईदार के पास, बड़ाईदार के पास जाता है गेहूँ कटवाने के लिए 25 तारीख की रात को अप्रैल में, तो वहाँ पे इलेक्शन था, तो जो इनका विरोधी था, प्रधान लड़ रहा था, उसने पहले से थाने में सेटिंग कर रखी थी। उसने क्या काम करा, आकर के इस लड़के को ऊपर 10 राउंड फायर करे। ये लड़का अपनी गाड़ी से गया था, अपनी जान बचा करके घर तक में उसमें घुसे, ये लड़का वहाँ से अपनी जान बचा करके भागा और इसने वहाँ से 112 नंबर डायल करा। पुलिस आई, थाने की पुलिस भी आई। जब ये थाने पहुंचा तो SHO मुंडा पांडे ने उल्टा ही इसको बैठा लिया हवालात में, और हवालात में बैठा करके जब हम सब लोग वहां पर गए उनको बताया तो उसने कहा नहीं भाई, ये तो वोट प्रभावित करने गया था। मैंने कहा जो लड़का इंटर में हो, जिसका खुद का वोट ना हो, वो क्या प्रभावित करेगा भाई, क्योंकि SHO के ने पैसा खा रखा था उसमें, तो SHO उसी की बात कर रहे थे। बड़ी उससे जिद्दोजहद हुई तो उस लड़के को बाहर निकाला, हमने उसकी घटना के बारे में बताया। इनकी जो तहरीर पहले लिखी हुई थी वो भी उसने फाड़ दी, और तहरीर फाड़ने के बाद में उसने अपनी मर्जी से तहरीर लिखवाई, और लिखवाने के बाद में 2-3 महीने तक इनको टरकाते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम लव कुमार है। लव कुमार, क्या घटना आपके साथ हुई और किस संबंध में यहाँ आना हुआ है? जी, मैं मानपुर पट्टी का निवासी हूँ। 25 अप्रैल को रात 8 बजे मैं गेहूँ कटवाने के लिए मजदूर करने के लिए गया था, तभी अमरपाल गाँव के बबलू उर्फ धर्मेंद्र और संजीव, इन तीन लोगों ने बुलेरो गाड़ी से मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे पास भी बुलेरो गाड़ी थी, मैं अकेला और मेरे पर डंडों से हमला किया गया और फायरिंग करी गई। फिर वहां से मैं गाड़ी लेकर भागा, फिर दूसरी जगह घर पे मेरे घर पे घुस के और गाड़ी में फायरिंग करी, गाड़ी के सब शीशे टूट गए, मैं गाड़ी से उतर गया, गाड़ी की साइड में आ गया जिससे कि बच गया। और विवाद उन्हें ये लगा था कि वोटों को प्रभावित करने के लिए गया है ये, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, कुछ नहीं। मैं तो, पापा जी हमारे पीड़ित हैं, 2.5 साल से बिस्तर पे हैं, छोटा भाई पैर से विकलांग है, बाबा हैं 90 साल उनकी उम्र है, वो भी वॉकर से चलते हैं, उन्हें परेशानी है। मैं अकेला ही घर का काम करने वाला हूं और अब मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूं। जी, पूर्व प्रधान अमरपाल सिंह, धर्मेंद्र उर्फ बबलू नाम है एक, और तीसरे थे संजीव। जी, मैंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 112 को कॉल करी थी, उसके बाद वो मुझे अपने साथ थाने लेके गए, वहाँ पे मैंने सारी घटना बताई तो उन्होंने मुझे डांट करके अंदर सेल में बंद कर दिया। जी, नवाब सिंह सर, SHO नवाब सिंह सर, जिनके ऑर्डर पे मुझे अंदर बंद कर दिया गया। जी, मुंडा पांडे थाना, मुंडा पांडे SHO मुंडा सर जो है नवाब सिंह, उन्होंने, उनके आदेश पे मुझे अंदर बंद कर दिया गया। मेरी तहरीर जो मैंने लिखी थी उसमें जो नाम थे वो फाड़ दिए गए सारे, वो तहरीर को फाड़ दिया गया। आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, NCR दर्ज कर दी उन्होंने और बाहर से बाहर उनकी जमानत होगी 2 की। तीसरा अमरपाल जो है उनका नाम भी उसमें दर्ज नहीं करा उन्होंने। जी, SSP साहब के पास आए थे हम शिकायत के लिए, SSP साहब मिले नहीं, SPRA साहब मिले हैं हमें, हमने उन्हें अपनी पूरी घटना बताई है। अब से हम पिछले महीने की 16 तारीख को SSP साहब के पास आए थे, तब भी हमने 2 ऐसे लेटर दिए थे बना के। जी, अभी हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है, परसों के लिए बुलाया गया हमें, सोमवार वाले दिन बुलाया गया, SSP साहब बैठेंगे तब उन्होंने बुलाया है कि आप आइएगा।
हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ ये घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो। सीओ हाईवे साहब को जांच भी पारित करी गई है, लेकिन 25 दिन हो गए जांच के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में आए, जाँच करें, निष्पक्ष, अगर हम दोषी हैं तो हमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाए।